नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हॉरर स्टोरीज में। मेरा नाम है जिशान अली और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है उसके राइटर मनीष शुक्ला जी हैं। रात कुछ ज़्यादा ही घनी हो गई थी। जगदीशपुर कोई बड़ा शहर तो नहीं था कि पूरी रात चलता रहे। चारों ओर सन्नाटा और सुनसान सड़क, रोशन अकेले जा रहा था। उसको रात गुजारने के लिए एक कमरे की तलाश थी, लेकिन घनघोर अंधेरे में डूब चुके कस्बे में उसको ठहरने के लिए कोई भी जगह नहीं दिख रही थी। इतने में सामने मोड़ आता है और उसकी नज़र एक पुराने महलनुमा घर पर पड़ती है। उस घर से आ रही मध्यम रोशनी को देखकर रोशन की उम्मीद जागती है। वह तेज कदमों से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसको हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो तेज चाल कदमों से हवेली के पास पहुंच जाता है, जिसके बाहर घनघोर अंधेरा है लेकिन अंदर तेज रोशनी है। वह गौर से देखता है, उस हवेली पर पुराना सा जंग लगा एक बोर्ड टंगा होता है, जिस पर शीश महल थिएटर लिखा हुआ था। रोशन आवाज़ लगाता है, कोई है भाई, कोई है, लेकिन आवाज़ पर कोई उत्तर नहीं देता। रोशन मन ही मन सोचता है कि अभी तक तो इस घर से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मेरे आने के बाद सन्नाटा छा क्यों गया? इस घर में रहने वाले सब सो गए क्या? चलो अंदर चलकर देखता हूँ, शायद कोई रुकने का जुगाड़ बन जाए। रोशन दरवाज़ा खोलकर शीश महल थिएटर के अंदर जाता है। चारों ओर अंधेरा है, रिसेप्शन पर कोई भी नहीं था। वह यहाँ अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और हॉल के अंदर पहुँच जाता है। हॉल के अंदर आते ही उसके मोबाइल की टॉर्च ऑफ हो जाती है। वह उसे जलाने की कोशिश करता है लेकिन ऑन नहीं होती। तभी एक कुर्सी उसके सामने आती है और वह उसको टकराकर थम जाता है। कुर्सी पर गिरते ही वह उस पर बैठ जाता है। इतने में सिनेमा हॉल के पर्दे से अचानक रोशनी निकलती है और पर्दे पर फिल्म शुरू हो जाती है। फिल्म में उसको एक अभिनेत्री नज़र आती है जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। लड़की डायलॉग बोलती है, आ गए रोशन, मुझे पता था एक ना एक दिन तुम ज़रूर आओगे। देखो, मैं तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। रोशन पर्दे पर नज़र आ रही लड़की के मुँह से अपना नाम सुनकर हैरान हो जाता है। फिल्म की कहानी उसको अपनी ज़िंदगी की कहानी जैसी लगती है, लेकिन वो इस कहानी को इत्तफाक मानकर फिल्म का मज़ा लेने लगता है। कुर्सी पर पैर लटकाए हुए काफ़ी देर होने के बाद उसको जब तकलीफ़ होने लगती है तो वह अपने पैर आगे की कुर्सी पर रख देता है। तभी आगे वाली सीट से एक आवाज़ आती है, अरे भाई यार, ज़रा तमीज़ से, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आगे कोई बैठा है? रोशन यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि रोशन अब तक यह सोच रहा था कि वो इस सिनेमा हॉल में अकेला बैठा है। लेकिन उसकी आगे वाली सीट पर एक लड़की भी बैठी हुई थी। यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। रोशन लड़की से सॉरी बोल देता है और अपनी सीट अंदर कर लेता है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। वह देखता है कि फिल्म की हीरोइन असली में भूत पिशाच शक्तियों की ज्ञाता है, जिसको अपनी साधना पूरी करने के लिए अपने पति का रक्त चाहिए। उस रक्त से स्नान करने के बाद वो असामान्य शक्तियों की मालकिन बन जाएगी। फिल्म में अगला सीन आता है, अभिनेत्री पति को गहरी नींद से सुला देती है और फिर उसे मार डालती है। इसके बाद अभिनेत्री उसके खून से नहाती है। तभी पर्दे पर इंटरवल लिखा हुआ आता है। धीरे धीरे हॉल की लाइट जलने लगती है। रोशन हॉल में इधर उधर नज़र दौड़ाता है, पर पूरे हॉल में केवल वही लड़की नज़र आती है जो उसकी आगे वाली सीट पर थी। रोशन आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि उस लड़की से पूछे कि इतनी रात को वो इस हॉल में क्या कर रही है। रोशन आखिरकार उस लड़की को आवाज़ देता है, मैडम क्या कर रही हैं आप इस हॉल में अकेली? लड़की पलट कर रोशनी की ओर मुड़ती है। जी हाँ, यह सुनते ही रोशन की चीख निकल जाती है।
क्योंकि वह लड़की वही थी जिसको वो अभी तक एक फिल्म में देख रहा था। वो वहाँ से भागता है लेकिन लड़की उसे ज़ोर से सर पर वार करती है। उसके सर से खून बहने लगता है। वो वहीं रिसेप्शन पर गिर जाता है। वह लड़की अपनी चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है, फिर रोशन के खून को जी भर के पीती है। रोशन अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तब वह चुड़ैल उसे कहती है वो उसी का इंतज़ार कर रही थी इतने सालों से। पिछले जन्म में वह एक हीरोइन बनना चाहती थी और रोशन ने उसको बहला फुसला कर इसी थिएटर में लाकर मार दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दोस्त जिशान अली आपसे फिर मिलता हूँ एक दूसरी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।